वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में हम पूरा यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन में। तो गाइस, आराम से पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आखिर होती क्या है। वर्ड में आ रहा है मोनो, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। क्लोनल मतलब क्लोन, किसका क्लोन, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, आपको पता है जो एंटीबॉडी है वो किससे बनती है, बी सेल से। बी सेल से एंटीबॉडीज बनती है। तो मोनोक्लोनल मतलब प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल। जो बी सेल का जो सिंगल क्लोन है उससे उससे ही सारी एंटीबॉडीज बन रही हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, मोनोक्लोनल। कोई भी क्लोन है बी सेल का उससे एंटीबॉडीज बन रही हैं, एक सिंगल क्लोन से एंटीबॉडीज बन रही हैं, उसे बोलते हैं मोनोक्लोनल, ठीक है। अब गाइस, एंटीबॉडीज सेम सारी एंटीबॉडीज बन रही है एक क्लोन से, तो उनके अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट स्पेसिफिक जो साइट होती है, एंटीजन बाइंडिंग स्पेसिफिक जो साइट होती है वो भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल से बन रही है, तो सेम एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है आपको देख रहे हो एंटीबॉडी की, तो ये भी सेम होगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है गाइज कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या काम आती है, ठीक है। अर्लियर पहले गाइज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करते थे। कैसे, जैसे सपोज हमारे पास एंटीजन है, हमें इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है, तो हम एक कोई भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रख देते थे। अगर ये इससे बाइंड हो रहा है एंटीजन से, तो हमें पता लग जाता था कि यहां पर पैथोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये हम अर्लियर हो गया। अब नाउ डेज हम इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कंसेप्ट है वो हम ट्रीट कैंसर के ट्रीटमेंट में और बहुत बहुत इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी यूज कर लेते हैं। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे, मोनोक्लोनल मतलब क्या होता है, सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल से जो भी एंटीबॉडीज बनी हुई है वो, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब गाइज एक चीज आती है, दो साइंटिस्ट के नाम बताए, कोहलर एंड माइलस्टन, ठीक है। इन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को सबसे पहले डिस्कवर किया, ठीक है। कैसे डिस्कवर किया वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब गाइज एक्स एंटीजन था हमारे पास, हमारे पास कोई भी एक्स एंटीजन है, हमें इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी है ताकि हम इस एंटीजन को क्या कर सकें, खत्म कर सकें, ठीक है। ये एक्स एंटीजन था हमारे पास, ठीक है, ये एक्स एंटीजन है, इसके खिलाफ हमें एंटीबॉडीज बनानी है, हमें प्रिपेयर करनी है। तो क्या करेंगे, इस एक्स एंटीजन को हम माउस में, ये हमारे पास एक माउस है, ठीक है, इसके अंदर इस एक्स एंटीजन को डालेंगे। जैसे ही हमने माउस के अंदर इस एक्स एंटीजन को डाला, माउस क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर मर जाएगा, आफ्टर वन वीक माउस, ठीक है, माउस मर गया। अब गाइस माउस जैसे मरा, हमने माउस की जो स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल्स होती हैं उनको क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं, कोहलर और माइलस्टन ने जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, जो हम प्रोसेस पूरी बता रहे हैं, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं कि हमने एक एक्स एंटीजन को लेना है, उसके खिलाफ हमें एंटीबॉडी बनानी है, तो एंटीबॉडीज बनाने के लिए इस एक्स एंटीजन को हम इस माउस के अंदर, ये माउस है, इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे इस एक्स एंटीजन को। जैसे ही माउस के अंदर इंजेक्ट करेंगे, माउस मर जाएगा और माउस के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनेंगी, ठीक है। तो हम उनको देखने के लिए इस उनकी जो माउस है उसकी स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये माउस था, ये मर गया साहब, माउस मरने के बाद में हम उसकी स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल को सेपरेट करेंगे। अब जो स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल है उसकी तीन चार प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एंटीबॉडी पॉजिटिव होता है, ठीक है। स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल जो है वो क्या दर्शाएगा, स्प्लेनिक जो प्लाज्मा सेल्स हमने आइसोलेट किया इस माउस के अंदर, मरे हुए माउस के अंदर, वो उसमें क्या दर्शाता है, एंटीबॉडी वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। एचजीपीआरटी एंजाइम जो है वहां पर प्रेजेंट है। एचजीपीआरटी एंजाइम क्या होता है, ये आपका जो सोलवेज पाथवे होता है, आपने पढ़ा होगा बायोकेम में, सोलवेज पाथवे में ये एंजाइम काम आता है। तो ये स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी पॉजिटिव थी, एचजीपीआरटी पॉजिटिव थी, और जो टी हाफ है वो क्या था, बहुत लेस था। टी हाफ मतलब जो इनकी लाइफ साइकिल है इस स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल की, वो बहुत कम थी, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हमें मिले, हम जो मरे हुए माउस से हमने स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल निकाली उससे। लेकिन क्या दिक्कत आ रही है गाइस, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि जो टी हाफ है वो कम है, टी हाफ कम है, तो ये पूरा स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल्स जो है ये डाई जल्दी हो जाएंगी, डाई जल्दी हो जाएंगे, हमें एंटीबॉडी नहीं मिल पाएगी। तो हम क्या करते हैं इस स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल को, स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल को हम माइलोमा सेल्स से फ्यूज करवाते हैं। अब माइलोमा सेल्स क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। माइलोमा सेल्स जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड सेल मतलब यहाँ पर जो जीन्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है। कैसे, जीन्स मॉडिफाइड करते हैं, ठीक, वो
और माइलोमा सेल्स की हम करेक्टरिस्टिक देखें तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग ये नहीं होती, ठीक है। एचजीपीआरटी नेगेटिव होता है। जो स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल थी वहां पे हमने देखा तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही थी और टी हाफ उनका कम था, तो टी हाफ को बढ़ाने के लिए, उनकी लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए हम माइलोमा सेल डालते हैं। माइलोमा सेल क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल है, ठीक। उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है? एचजीपीआरटी नेगेटिव है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनडेफिनेट लाइफ साइकिल, हमें इनडेफिनेट लाइफ साइकिल वाला फीचर जैसे स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल में चाहिए, इसलिए हमने इसको फ्यूज करवा दिया स्प्लेनिक प्लाज्मा सेल से माइलोमा सेल। किसके बल हेल्प से? बाय पीईजी। पीईजी मतलब पॉलीथाइन ग्लाइकोल से। समझ में आ गए यहां तक? ठीक है, पॉलीथाइन ग्लाइकोल से हमने फ्यूज करवा दिया। अब गाइस कुछ सेल्स जो है वो फ्यूज हो जाती है, ये स्पिनिंग सेल्स थी हमारे पास, ये इधर माइलोमा सेल है, अब फ्यूज हो गई। फ्यूज जैसे ही हुआ तो हाइब्रिडोमा सेल बन गई, हाइब्रिडोमा सेल बन गई, ठीक है। अब गाइस कुछ ऐसे सेल होती है स्पिनिंग प्लाज्मा सेल जो अनफ्यूज रह जाती है, मतलब फ्यूज नहीं हो पाती ढंग से, तो उन्हें क्या बोलेंगे? अनफ्यूज प्लाज्मा सेल। और कुछ माइलोमा सेल्स हैं वो क्या होती हैं, कुछ रह जाती हैं, उन्हें बोलते हैं अनफ्यूज माइलोमा सेल। क्लियर? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हाइब्रिडोमा सेल्स की क्या करेक्टरिस्टिक है? हाइब्रिडोमा सेल एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि स्पिनिंग प्लाज्मा सेल का ये फीचर हमें रखना ही है, एंटीबॉडी तो हमें पता करनी है, ठीक है, एचजीपीआरटी पॉजिटिव। लेकिन हाइब्रिडोमा सेल में माइलोमा सेल का एक करेक्टर आ जाता है, वो है इनडेफिनेट टी हाफ। अब टी हाफ बढ़ गई तो हाइब्रिडोमा सेल की जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाएगी और हमें एंटीबॉडी आसानी से मिलती रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल का क्या हुआ। अब अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल की टी हाफ बहुत कम है तो ये डाई आउट हो जाएगी अपने आप। अब बात कर रहे हैं अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल, ये इंपॉर्टेंट है, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल का क्या होएगा वो तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब गाइस अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल थी ये डाई आउट हो गई, हाइब्रिडोमा सेल था ये हम बता दिए कि एंटीबॉडी पॉजिटिव, एचजीपीआरटी पॉजिटिव, और यहां पर क्या जो लाइफ टी हाफ है वो इनडेफिनेट हो जाएगा, मतलब लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा हो जाएगी। अनफ्यूज प्लाज्मा सेल का क्या हुआ? अनफ्यूज प्लाज्मा सेल को सेपरेट करने के लिए हम इसको, ये हाइब्रिडोमा और अनफ्यूज प्लाज्मा माइलोमा जो सेल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम कहाँ डाल देते हैं? एचएटी मीडियम में। एचएटी मीडियम क्या होता है? एच मतलब हाइपोजेंथिन, टी मतलब थाइमिडिलेट, ए मतलब अमिनोप्टेरिन, ठीक है। ये है ऊपर वाले दो सब्सट्रेट है साल्वेज पाथवे, जो साल्वेज पाथवे हम बायोकेम में पढ़ते हैं ये उसके सब्सट्रेट है, हाइपोजेंथिन और थाइमिडिलेट। अमिनोप्टेरिन क्या करता है? डिनोवा सिंथेसिस पाथवे को क्या करता है? इनिबीट करता है, डिनोवा सिंथेसिस पाथवे को इनिबीट करता है। और अब देखो यहां पर दो फैक्टर आएंगे, एक अमिनोप्टेरिन जो होता है, अमिनोप्टेरिन ये डिनोवा सिंथेसिस पाथवे को क्या कर देता है? डिनोवो सिंथेसिस पाथवे को क्या कर देता है? इनिबीट करता है। और जो हाइपोजेन और जो अनफ्यूज माइलोमा सेल है ये ऊपर से एचजीपीआरटी नेगेटिव है, एचजीपीआरटी नेगेटिव, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके एक इफेक्ट डालता है और उससे क्या होता है, ये माइलोमा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एचजीपीआरटी पहले से नेगेटिव और अमिनोप्टेरिन क्या डिनोवा सिंथेसिस पाथवे को भी ब्लॉक कर दिया, तो इस वजह से अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल क्या हो जाती है? डैमेज्ड हो जाती है। और क्या बचती है? ओनली हाइब्रिडोमा सेल सर्वाइव करती है, वो ही हमें चाहिए होता है। हाइब्रिडोमा सेल हमें मिल गई, ठीक है, हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल्स आ गई, ठीक है, हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल्स आ गई, ये हाइब्रिडोमा सेल्स है, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं? सीरियल डायल्यूशन करते हैं, सीरियल, क्योंकि हमें इसका अमाउंट बढ़ाना है, ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल का क्या बढ़ाना है? अमाउंट बढ़ाना है, तो हम इसका क्या करते हैं? सीरियल डायल्यूशन करते हैं। सीरियल डायल्यूशन किस में करेंगे? एलिसा प्लेट्स में। एलिसा प्लेट्स ऐसी प्लेट्स होती है 98, आपको पता है, इसके अंदर सब के अंदर एक एक यहाँ पर हाइब्रिडोमा सेल डालेंगे हम, ठीक है, और इसका सीरियल डायल्यूशन करेंगे ताकि हमें और हाइब्रिडोमा सेल्स मिल सके, ठीक है, सेल लाइन कल्चर में इसका कल्चर करेंगे और ताकि हमें और हाइब्रिडोमा सेल्स मिल सके। तो ये पूरा आपकी ये टेक्नोलॉजी थी, आपकी हाइब्रिडोमा साइकिल थी, ठीक है, कैसे क्या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, मैं आगे कि कैसे कैसा मैकेनिज्म होता है। अब देखो एक डिसएडवांटेज है, अब ये जो हमने एंटीबॉडीज बनाई हाइब्रिडोमा सेल ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है माउस के अंदर बनाई, ठीक है, माउस की है, लेकिन इस एंटीबॉडी को अगर हम ह्यूमन के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर ह्यूमन इसको कैसे रिएक्ट करेगा? क्योंकि माउस की है ये, तो ह्यूमन कैसे रिएक्ट करेगा? इसको फॉरेन बॉडी रिएक्ट करेगा, फॉरेन बॉडी रिएक्ट करे तो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस हो जाएंगे और एनाफाइलेटिक रिएक्शंस यहाँ पर दिक्कत करेंगी, ठीक है, ठीक है। तो एंटी
माउस एंटीबॉडी यहां पर बन जाएंगी तो वो दिक्कत करेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको इसको मॉडिफाई कैसे करें ताकि ह्यूमन के अंदर आसानी से यहां पर मिल सके, आसानी से यूज हो सके। तो एक कंसेप्ट आता है चाइमेरिक एंड ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी। चाइमेरिक ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी क्या होती है, हाइब्रिड एंटीबॉडी होती है। सपो ये हमारे पास एंटीबॉडी थी, ठीक है, ये हमारे पास एंटीबॉडी थी जो माउस से आ रही थी। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ इस एंटीबॉडी के अंदर कुछ इस ये ऐसे एंटीबॉडी होती है। ठीक है, अब इस एंटीबॉडी के अंदर अगर हम कुछ पार्ट ह्यूमन का लगा दें, ये पार्ट मान लो हम ह्यूमन का लगा दें, ऊपर वाला पार्ट माउस का रहे, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो ह्यूमन है उसको अपना मानने लग जाती है, मतलब फॉरेन रिएक्ट नहीं करती। तो चाइमेरिक ह्यूमनाइज एंटीबॉडी क्या है, हाइब्रिड एंटीबॉडी है, उसके अंदर ये किससे बनती है, प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ टू और मोर जीन सेगमेंट, ठीक है, इनकोडिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ फाइनल एंटीबॉडी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, हम ऊपर वाला पार्ट अलग, ठीक है, माउस वाला ले लेते हैं और नीचे वाला पार्ट ह्यूमन का ले लेते हैं ताकि जो ह्यूमन बॉडी है उसको फॉरेन की तरह इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करे जैसे जितना पहले कर रही थी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं चाइमेरिक एंटीबॉडी, उनका कंसेप्ट था। चाइमेरिक एंटीबॉडी क्या होती है, जैसे ये एंटीबॉडी है, ये वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन और वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन हम किसका ले लेते हैं, माउस एंटीबॉडी का। ठीक है, और ये वाला पार्ट हम ह्यूमन एंटीबॉडी का ले लेते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक हाइब्रिड बन गया, इससे बोले चाइमेरिक। ठीक है, चाइमेरिक एंटीबॉडी। इसका एग्जाम्पल एफसिक्सिमेब, रिटुक्सिमेब। एक होता है ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी। ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी क्या होता है, इसके अंदर हम सीडीआर, लाइट चेन का पार्ट है ना सीडीआर, इधर ऊपर ऊपर होता है, वो ही माउस माउस का होता है। ठीक है, वो ही ओनली सीडीआर आर माउस एंटीबॉडी डिराइव। ठीक है, उसे बोले ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी। एक होता है प्योर ह्यूमन एंटीबॉडी, मतलब प्योर माउस का कोई भी पार्ट नहीं होता, ये ट्रांसजेनिक माइस में डेवलप होता है। समझ में आया क्यों हम चाइमेरिक ह्यूमनाइज एंटीबॉडी बना रहे हैं, क्योंकि फॉरेन जो रिएक्शन है वो यहाँ पर कम हो रही। ठीक है, इसलिए हम चाइमेरिक एंड ह्यूमनाइज एंटीबॉडी बनाते हैं। समझ में आया गाइस, बहुत कोशिश की पूरी समझाने की आपको। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके साफ सुथरे नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और नाम से भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।